हेलो दोस्तों, शिफेरर्स आईबी एग्जाम डॉट इन में और दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। जो मेरा दोस्त, मेरा भाइयों, मेरा साथी, मेरा जितना सब्सक्राइबर जो इनलैंड वैसेल में जो काम करता है और जो काम करना चाहता है, जो इनलैंड वैसेल में जो काम करता है इंजन ऑपरेशन में, और जो काम करना चाहता है इनलैंड वैसेल में, उन सबको भी मेरा स्वागत है। और उनका उनका लिए इनलैंड वैसेल में आ जाइए, आपका फैमिली साफ कर सकता है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में परिस्थिति बहुत गंभीर है। नौकरी नहीं है, किधर भी यहाँ पे भी नौकरी नहीं है। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल देखिए, आपका इंटरव्यू में बोलो, कौन सा भी परीक्षा में बोलो, इनलैंड वैसेल का जो परीक्षा आता है वो परीक्षा में किसमें भी आप उतर जाओगे, किसमें भी। मैं खुद मुंबई पोर्ट का एटर इंजीनियर होते हुए भी मैं ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने भी ग्रीजर से लेके ऑयलर से लेके एकदम नीचे से मैं इंजीनियर तक गया था। इसलिए मुझे मालूम है जो हमारा दोस्त, हमारा छोटा छोटा भाइयों, साथियों, आप लोगों को क्या तकलीफ है ये मुझे मालूम है। इसलिए और परीक्षा देने का जब जाता है, गवर्नमेंट का जो परीक्षा होता है, जो सीफेयरर्स आईबी एग्जाम का जो परीक्षा होता है, ये परीक्षा में जाने के लिए बहुत बच्चा लोग डरता है, क्योंकि कहाँ क्लास करेगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा क्या करेगा, वो सब सोच दिमाग में आता है। एक टाइम हम लोग को भी आया था, लेकिन आगे जाना है। आप कुछ भी करो, आपका मन में जिद है तो आगे आपको जाना है। कैसा जाना है, कहाँ से जाना है, सब रास्ता आस्ते 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 रास्ता निकल जाएगा आपका लिए। इंशाल्लाह रास्ता भी ठीक किया, भगवान ने भी आपके लिए रास्ता ठीक किया, आपका गॉड भी आपका रास्ता ठीक किया, तो आप वही रास्ता से जाने का है और लास्ट तक टॉप तक आपको पहुंचना है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप शेयर करके रखना, आप लाइक करना, कुछ नहीं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके रखना। मैंने सब्सक्राइब करके रखा तो आप कभी भी मैं वीडियो डालेगा तो आप लोग को ये वीडियो मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको एग्ज़ाम देना है, अगर आप पास भी है इंजीनियर तक, इनलैंड वैसेल का इंजीनियर तक पास हुआ, फिर भी आपको काम में आएगा, क्योंकि आपको कौन सा भी इंटरव्यू के लिए, गवर्नमेंट का इंटरव्यू के लिए भी आपको काम में आएगा। तो आज मैं पहले, अगर कहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमारा 9819631432 में फ़ोन कीजिए, कभी भी 24 घंटा फ़ोन कर सकता है। अगर नहीं तो आप व्हाट्सएप में जोड़ के आप व्हाट्सएप में आपका क्वेश्चन कर सकता है। तो आज मैं पहले ही मैं कोचिंग का जो एग्ज़ाम हुआ लास्ट टाइम में, और जो पास हुआ जिनका सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो हमारा यूट्यूब चैनल का वजह से तो हमारा 100% स्टूडेंट जो था वो 100% पास हुआ। ये मैं सबको कंग्रेचुलेशन, सबको बधाई देते हैं। कोचिंग का मेरा जो दोस्त है, सबको मैं बधाई देता है कि आप लोगों को जितना आपका जो मेहनत था, आपको आप मेहनत किया, लेकिन आप जितना मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते रह गया और आप पास हो गया, आपका सर्टिफिकेट भी मिल गया। थैंक यू। आप लोग मुझे
टाइम टाइम पे भी बताया, मुझे अच्छा लगा बहुत, क्योंकि मैं प्रेरित होता है वो, जो चलो ठीक है, जो मैं जो क्वेश्चन करा था, क्योंकि मेरा ही क्वेश्चन है, मेरा जो 27-28 साल का जो मेहनत है, जो क्वेश्चन मेरा है, वो क्वेश्चन मैं सीफेयर ट्रस्ट को दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी आप एग्जाम पे जाओ, सीफेयर ट्रस्ट इतना काम अच्छा करता है, क्योंकि पहले एग्जाम होने के लिए 6 महीना 1 साल लग जाता था, लेकिन अब एग्जाम के लिए लगता नहीं, अभी पेंडेमिक चल रहा है करके, नहीं तो एग्जाम बराबर 2-2, 3-3 महीना में एग्जाम होता है। तो खास करके मैं श्याम कुमार साहब का, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, उनको नाम लूँगा, जिन्होंने बहुत मेहनत करता है और पूरा एग्जाम का कंडक्ट करने के लिए जो तैयारी है उन्होंने करता है। तो दोस्तों, आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोगों को इनलैंड वैसेल में जितना वैसेल है, जितना जो हमारा मर्चेंट नेवी का अंदर में आता है, जो इनलैंड वैसेल का आता है मर्चेंट नेवी का अंदर, कस्टम का सर्विस आता है इनलैंड का अंदर में, जो इनलैंड का जो पैसेंजर लेके जाता है नेवी का, वो भी इनलैंड वैसेल में आता है, ऐसा जो BSF का जो बोट आता है वो भी इनलैंड वैसेल का अंदर आता है, जो ये इनलैंड वैसेल में, अब मैं आज बताऊंगा, जो BSF का जो एग्जाम होने वाला है, या तो उसका सिलेबस भी मैं आप लोग को बता देता है, क्योंकि वो सिलेबस में आपका एग्जाम होएगा उसका अंदर में, उसमें 2 तरीका का क्रू लेता है, एक जो सिटी क्रू बोलता है, 2 तरीका का लेता है, एक डेक साइड और इंजन का जो ग्रीजर और ऑयलर, वो इंजन साइड और डेक साइड का सुकानी मास्टर, ऐसा 2 तरीका का एग्जाम होता है, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस का मुताबिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आज वो बताऊंगा क्वेश्चन, थोड़ा बता दूंगा, जो इंजन इसका साइड का है, अपना इंजन साइड का है, जो उनका थोड़ा क्वेश्चन मैं सिलेबस बता देता हूँ, जो क्या क्या उनको सिलेबस है, तो उनको सिलेबस ऐसा है, जो इंजन साइड है, जो सिलेबस पर ट्रेड टेस्ट टू रिक्रूटमेंट, ट्रेड टेस्ट बोलता है उसको, ट्रेड टेस्ट टू रिक्रूटमेंट ऑफ सिटी क्रू इंजन साइड, जो वाटर विंग का है, BSF में एक वाटर विंग रहता है, ये वाटर विंग के लिए अभी रिक्रूटमेंट चालू है, कोई लश्कर है उसमें से वो आगे जाएगा, मास्टर तक जाएगा एग्जाम देते देते, कोई ग्रीजर है वो आगे जाएगा इंजीनियर तक, इंग्लैंड वैसेल इंजीनियर तक जाएगा एग्जाम देते देते। तो इसलिए तो उनको तैयारी करना जरूरी है, और वो तैयारी है, पहले ही उनको क्या देगा, उनको 2 क्वालिफाई 50 मीटर स्विमिंग टेस्ट पहले ही देगा, विदाउट एनी असिस्टेंट, कोई भी असिस्टेंट ना लेके आपको तैर के 50 मीटर जाना है। तो तैरना जरूरी है साथी हो, इनलैंड वैसेल में आने के लिए आपका इच्छा प्रकाश करता है, तो पहले आप तैरना सीखिए, तालाब में सीखिए, नदी में सीखिए, समुंदर में सीखिए, या तो बावड़ी में भी रस्सी डाल के सीखिए, लेकिन तैरना आपको आना जरूरी है, वो पहले सेफ्टी है तैरना। तैरना आपको नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते मैं, क्योंकि तैरना आपको आना ही है, तैरना इसके लिए तैरना मैंडेटरी है, कौन सा भी एग्जाम का लिए, कौन सा भी सर्विस के लिए आपको तैरना आना जरूरी है। तो स्विमिंग टेस्ट वो लोग रखा क्या, पहले ही स्विमिंग टेस्ट रखा 50 मीटर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट। ठीक है, आज यहाँ पे मैं ख़त्म करता है, आज यहाँ तक रखता है, मैं आगे का वीडियो इसमें मैं